वहीं उत्तराखंड विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है। सत्र के आखिरी दिन सरकार की ओर से पेश लेखानुदान पारित किया गया और इसमें पहले सदन के पहले दिन लेखानुदान को सदन के पटल पर रखा गया था। लेखानुदान में नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में वेतन भत्तों पेंशन समेत सरकारी कामों के लिए जरूरी बजट को शामिल किया गया। नए वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों के लिए 21,116 करोड़ की राशि का लेखानुदान पारित हो चुका है। सालाना बजट के लिए एक तिहाई हिस्से में भी धामी सरकार ने सड़क पेयजल स्वास्थ्य समेत अवस्थापना विकास कामों के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और स्थानीय निकायों के लिए बड़ी धनराशि की व्यवस्था की गई है। तो मनरेगा के लिए 99 करोड़ 28 लाख रुपए, स्मार्ट सिटी के लिए 63 करोड़ 33 लाख रुपए का बजट। और ना जवाब सुनना वो चाह रहे थे, उन्होंने शायद मन बना के आए थे कि उनको रहना नहीं है, लेकिन जो जो बिंदु उन्होंने बताए थे उसका बहुत अच्छी तरह से जवाब हमारी सरकार के द्वारा दिया गया। और निश्चित रूप से जो विषय उनके महंगाई के साथ साथ अन्य अभिभाषण का जिस प्रकार से उन्होंने बहिष्कार किया, मुझे लगता है उनका अभिभाषण में बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण ही मैं कहूँगा। जितनी सौहार्दपूर्ण में चीज़ें हों, जितने आराम से चीज़ें हों, उतनी ही बात जनता तक पहुंचती है। बहुत ज़्यादा चिल्लाने चीखने से ना तो जनता कुछ सुन सकती है, और एक हमें अपनी जो जनता है उसको शायद ये भी दिखाना है कि जब हम संसद में चुनकर आते हैं, जब विधानसभाओं में चुनकर आते हैं, तो एक तरह का व्यवहार होना चाहिए, और बहुत आवश्यक है कि हम उस व्यवहार को जनता तक पहुंचाएं और दिखाएं। विधानसभा हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, और जिस तरह से हम मंदिर में जाते हैं उसी तरह से इस मंदिर का भी हमें आदर करना चाहिए।